सबसे पहले सर हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह कानपुर विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग से पिछले 8-8.5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि समाज कार्य में रही है, PhD मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से की है, जिसमें मेरा जो विषय था वृद्धों की समस्याओं का समाधान समाज कार्य हस्तक्षेप के माध्यम से। मैंने 2 पुस्तकों की रचना भी की है। पहली पुस्तक मेरी समाज कार्य नाम से प्रकाशित हुई, दूसरी पुस्तक हमारी सामाजिक समस्याएं नाम से प्रकाशित हुई, जिनका प्रकाशन अथराइज्ड जो आपके प्रकाशक हैं उनसे हुआ है। और मेरा जो विशेष अनुभव है शिक्षण कार्य में कि अपनी विशेषता को ध्यान रखते हुए मैंने जो यहाँ पर पढ़ाना आरंभ किया, अपने जो मुख्य विषय थे और जो मुख्य उद्देश्य थे उनको पूरा करने की भरसक कोशिश भी की है और आगे भी करता रहूँगा। सर आपके संगठन के बारे में जानना चाहेंगे और उसके उद्देश्य के बारे में। ये समाज कार्य विभाग हमारा एक परिवार है और इस संगठन के जो मुख्य उद्देश्य हैं शिक्षकों को जो नए नए आयामों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना, साथ ही साथ छात्रों को उनके व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास, उनके ज्ञान, उनके क्षेत्र ज्ञान पर फोकस किया जाता है। समाज कार्य विभाग का एक और मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर अधिक से अधिक प्लेसमेंट कराने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन सर, 3-4 आपके ऐसे कार्य जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे जो आपने अभी तक पूरे किए। मैंने ड्यूरिंग अपने PhD वर्क रिसर्च कार्य किया है, वृद्धों की समस्याओं का सामाजिक समाधान करने की कोशिश की है। दूसरा, रिक्शा पुलर पे मैंने स्टडी की है, जिसमें जो मेजर समस्या रही रिक्शा पुलर की उनको मैंने इंगित किया है, नोटिफाई किया है उसको है। उसके साथ ही साथ जो आपके कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगियों की भी स्टडी की है। जो हमारी स्टडी हुई ड्यूरिंग PhD उसमें जो मेजर समस्याएं हैं वृद्धों की, जैसे चिड़चिड़ापन होना, तनाव होना, कुंठा होना, फ्रस्ट्रेशन होना, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी न होना, उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न होना, ये सब चीज़ें निकल कर आईं, जिसके लिए समाज का हस्तक्षेप जो हमारा था, समाज कार्य की विधियों प्रणालियों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। रिक्शा पुलर स्टडी में जो दूर दराज के लोग माइग्रेंट होके शहरों में आते हैं, प्रवासित होते हैं, रिक्शा खींचते हैं, रिक्शा चला रहे होते हैं, किराए पर रिक्शा लेते हैं, दिहाड़ी पर रिक्शा लेते हैं, ऐसे लोगों की स्टडी थी जिसमें समस्याएं निकल कर आईं कि जो लोग माइग्रेंट होकर शहरों में आए हुए हैं उनको सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर रहने की, तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी या इस टाइप से या सड़क के किनारे या फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उनके समक्ष समस्याएं थी ठंडक के मौसम में उनको सोने में समस्या, उठने बैठने नित्य कार्य करने की समस्या थी। ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो स्टडी की उसमें ये भी पाया कि ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि इनका कल्याण हो सके। कुष्ठ रोगियों की जो स्टडी की थी वो हमने पिछले 9 साल पूर्व मैंने की थी स्टडी उसकी, तो उस स्टडी में यह था कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनको समाज में हेय दृष्टि देखा जाता है, उनकी समाज में उनको तिरस्कृत किया जाता है, उनको उनके साथ लोगों की अच्छी भावनाएं नहीं होती हैं, तो ये गलत है। मैंने स्टडी में भी इंडिकेट किया इस चीज़ को कि ये गलत है, लोगों को उनके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, उनको बराबर सम्मान समाज में सम्मान का मिलना चाहिए। आपकी 3-4 ऐसी परियोजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे जो आप भविष्य में करना चाहते हैं। भविष्य में मेन हमारा फोकस है कि वृद्धों के लिए कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो जो से वृद्ध होम हैं या उनमें कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं और वृद्धों को वृद्ध होम में न जाना पड़े, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए। दूसरी चीज़ कि उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किया जाना चाहिए, इसके लिए एक बड़े स्तर पर ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें कि जो उच्च शिक्षा में अनियमितताएं हैं उन अनियमितताओं को दूर कर किया जाए, साथ ही साथ शिक्षकों को उनका सामाजिक न्याय दिलाते हुए उनको एक जीविकोपार्जन जैसी स्थिति में न लाया जाए, उनको उच्च स्थान दिया जाए, समाज के द्वारा उनको उच्च स्थान मिले, समाज उनका सम्मान करे। तीसरी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम भविष्य में करें कि जिससे कि जो गरीब वर्ग है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से या जो सेंसस होती है, जनगणना होती, जनगणना में जो स्टडी आती है निकल के, जो संख्या निकल के आती है,
उस संख्या पर अधिक फोकस किया जाए, एक्चुअलिटी में गरीब कौन है इसको जरूर पता किया जाए, क्योंकि जो संख्या निकल कर आती है हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं मिस्टेक है। जब आप ये सामाजिक आपने जो रिसर्च किया इस तरीके की, आपने जी ड्यूरिंग जब पीएचडी हमने की थी उसमें जो वृद्धों की समस्याओं पर मैंने स्टडी की, तो उसमें समस्याएं आती हैं परिवार की, परिवार के लोगों से सामना करना पड़ता है, परिवार के लोगों का सामना करना पड़ता है, परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि वृद्ध जो व्यक्ति उनके परिवार का मुखिया रहा है वो अपने परिवार की बातें किसी या दूसरे व्यक्ति को बताए, पहली चीज। दूसरी चीज कि समाज में जिनकी स्टडी हम कर रहे हैं, समाज में जब हम उनकी स्टडी कर रहे होते हैं और वो चीज़ें लोगों को लगती हैं कि बाहर जाएंगी तो चीज़ें खराब होंगी। दूसरी चीज़ कि हमने जब रिक्शा पुलिस स्टडी की तो उसमें सामाजिक प्रशासन जो होता है, जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ तालमेल बनाना बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि रात में हम स्टडी कर रहे हैं, दिन में स्टडी कर रहे हैं रिक्शा पुलिस की, तो पुलिस प्रशासन है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप करता है, उनको समझाना, उनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, उनसे रिक्वेस्ट करना, समथिंग ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ रोगियों की जब पर स्टडी हुई तो उसमें भी ऐसी चीज़ें निकल के आईं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको इजाज़त नहीं देता है कि उनसे बात बात करने के लिए, तो ऐसे में हमें मौका चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, ज़्यादा समय चाहिए होता है कि हम उन पेशेंट से कहाँ पर किस तरीके से वार्तालाप करें जिससे कि हमको उनकी समस्याओं की एक्चुअल वास्तविक स्थिति पता लग सके। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, वो जहाँ तक मेरा जानना है वो टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे क्रम में होता है, जितनी भी नीतियाँ बनती हैं वो ऊपर लेवल पे बनती हैं और धीरे धीरे होते हुए नीचे लाभार्थी तक पहुँचती हैं। मेरा यह मानना है, अपने अनुभवों के आधार पर मेरा मानना है कि जो भी ऐसी पॉलिसीज़ बने, कोई भी पॉलिसी बने जो लाभार्थी को लाभान्वित करती हो, उसका जो क्रियान्वयन हो तो बॉटम टू टॉप होना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। लाभार्थी को हम अपना यूनिट मान के चलें, लाभार्थी को जब यूनिट मानेंगे तो सारा फोकस लाभार्थी पे रहेगा, उससे क्या होगा कि जो नीतियाँ हैं एक्चुअल कंडीशन में एक्चुअलिटी को प्राप्त कर लेंगी। वो सपोज दैट ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमें काम करना है तो नीतियाँ जो बनती हैं ऊपर से बनती हैं नीचे की ओर आती है, तब ग्रामीण क्षेत्रों में वो कोई प्लान बनता है, इम्प्लीमेंट होता है तो ऊपर से होते होते वो नीचे तक पहुँचता है, उसमें समय भी लगता है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना नीचे से होना चाहिए, ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक बाद में रिपोर्ट बनेगी तो वो संबंधित अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को या योजना आयोग को, नीति आयोग को, जिसको भी है वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। आप किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन, आपको किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से मदद मिलेगी? देखिए, परिवर्तन जहाँ तक मेरा मानना है दो प्रकार का होता है, रेखीय और चक्रीय। दोनों प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी नियंत्रण लाने के लिए, चक्रीय परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम ऐसा परिवर्तन में लाना लाजमी होता है जिससे कि हम विकास को अचीव कर सकें। रेखीय परिवर्तन भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेखीय परिवर्तन के बिना हम कुछ अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को करने के लिए ज़रूरत है कि आपको आगे की ओर बढ़ने की, तो इसमें हम पीछे की तरफ न देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे रेखीय परिवर्तन को भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है।